फिजियोथेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिससे बिना दवाइयों से ही कई बीमारियां ठीक हो सकती है। फिजियोथेरेपी के बारे में लोगों को सही जानकारी देने के उद्देश्य से शिमला में कार्यशाला आयोजित की जा रही है। स्पोर्ट्स एस्कॉर्ट के तहत आयोजित की जा रही कार्यशाला में दूसरे दिन IGMC में फिजियोथेरेपी पर चर्चा की गई। आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई घुटने, कमर दर्द, जोड़ों में दर्द जैसी समस्याओं से परेशान है और कई तरह की दवाइयां खाने के बाद भी उन्हें आराम नहीं मिल पाता है। लेकिन यदि फिजियोथेरेपी के माध्यम से उपचार किया जाए तो व्यक्ति को काफी लाभ हो सकता है। फिजियोथेरेपी के बारे में लोगों को जानकारी देने, खासकर खिलाड़ियों को किस तरह की फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है, इसकी जानकारी देने के उद्देश्य से शिमला के IGMC में स्पोर्ट्स एस्कॉर्ट वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस मौके पर फिजियो नीट एकेडमी की फाउंडर डॉक्टर चक्षु बंसल ने बताया कि फिजियोथेरेपी के बारे में लोगों को सही जानकारी देने के उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को किस तरह की फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है, इसके बारे में ना तो अधिकतर खिलाड़ियों को पता होता है और ना ही फिजियोथेरेपिस्ट को पता होता है। उन्होंने कहा कि इसके बारे में जानकारी देने के लिए इस तरह की कार्यशालाएं आयोजित कर रहे हैं। ये एक इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस है जो कि स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी पे आधारित है, और इसमें हमने एक कोशिश की है कि एक एथलीट, एक प्लेयर जिसको अच्छी फिजियोथेरेपी नहीं मिल पाती या इंटरनेशनल लेवल की फिजियोथेरेपी नहीं मिल पाती, और एक फिजियोथेरेपिस्ट जिसको एक स्पोर्ट्स एथलीट का पता नहीं है कि उसको क्या ज़रूरत होती है, क्या उसकी परेशानियां होती हैं, तो उस गैप को हमने ब्रिज करने के लिए, एक पुल बनाने के लिए उन दोनों के बीच में हमने ये एक कोशिश की है। ये हम IGMC ऑडिटोरियम में कर रहे हैं और शिमला में। बेसिकली हमारा मुद्दा इस कॉन्फ्रेंस को करने का यही था कि हम फिजियोथेरेपी के स्किल्स को अपडेट करें, इंडियन फिजियोथेरेपी को एक अलग लेवल पे लेके जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।